और भी फंक्शन बताता हूँ इसमें। इंडेक्स देखिए दो तरह से यूज होता है, एक कल मैंने आपको खाली जैसे ये डाटा सिलेक्ट किया तो इसमें से इंडेक्स नंबर लेना बताया। इंडेक्स में आप चाहे तो रो नंबर भी दे सकते हैं और ज्यादा डाटा सिलेक्टेड है तो कॉलम नंबर भी दे सकते हैं। तो हम क्या फाइंड कर रहे थे, मैच के फंक्शन से हम रो नंबर फाइंड कर रहे थे, तो रो कॉलम दोनों के बेस पे डाटा निकाला जा सकता है। मान लीजिए रो मैं यहां डालूंगा और कॉलम यहां डालूंगा, इन दोनों में तो यहां एक इंडेक्स का फंक्शन लगाता हूं। इंडेक्स, इंडेक्स में देखिए कॉलम नंबर ऑप्शनल है, यानी कि अब अगर आप ज्यादा डाटा सिलेक्ट करते हैं तो रो नंबर और कॉलम नंबर भी साथ में दे सकते हैं, ठीक है जी। तो जैसे मैं कहता हूं कि पहली रो दूसरा कॉलम, नेम आ गया पहली रो में से, तीसरी रो कर देता हूं तीसरा नाम आ गया, कॉलम चेंज कर सकता हूं इसका, मैं तीसरा कॉलम ले लूं नोएडा सिटी में चला गया ये। तो ये रो कॉलम दोनों में इफेक्ट करता है। इंडेक्स के फंक्शन की तरह ही हमारे पास एक ऑफसेट का फंक्शन है, ठीक है जी। पर इंडेक्स में क्या होता है, जो वैल्यू स्टार्ट होती है, अगर मैं यहाँ पे रो वन कॉलम वन देता हूं तो ई आई डी आ रहा है, ठीक है जी। ऑफसेट का फंक्शन क्या करता है, होता है इसी की तरह से ही है, जैसे रो कॉलम ये रीड कर रहा है बट वो जीरो से चालू होता है, ठीक है जी। ऑफसेट में एक और चीज का डिफरेंस होता है, इंडेक्स में आपको पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है बट इसको आपको खाली इम्प्लॉय आईडी जैसे एक रेफरेंस देना है कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ठीक है जी। डेटा का स्टार्टिंग पॉइंट देना होता है, उसके बाद रो कॉलम पूछता है कि कितनी रो आगे या कितने कॉलम पीछे, तो रो कॉलम मैं यहां से दे देता हूं, ठीक है जी। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जीरो से स्टार्ट होता है तो ऊपर की वैल्यू में मैं एक एक माइनस कर देता हूं, ठीक है जी। मतलब अगर वहां वन है तो वहां जीरो आ जाए, एक एक माइनस कर दिया इनके रो कॉलम में तो ये रिजल्ट मुझे सेम सेम ही दिखाई देगा, ठीक है जी। ये दोनों को यूज करने का तरीका होता है, पांचवा आई नहीं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका इंडेक्स वर्क करता है, इंडेक्स और ऑफसेट। बट ऑफसेट में एक फ्लेक्सिबिलिटी और है जो कि इंडेक्स में नहीं है। मान लीजिए आपको कुछ आपको यहाँ पे आपने डेटा पॉइंट दे दिया और उसके बाद आपको यहां से लेकर यहां तक का डेटा ऐसे सिलेक्ट करके सम करना, तो ये कैपेबिलिटी खाली ऑफसेट के फंक्शन में है, रो कॉलम में नहीं है, मतलब इंडेक्स वाले फंक्शन में नहीं है। ऑफसेट के फंक्शन के आगे दो चीजें होती है, हाइट और विड्थ, ठीक है जी। ये डेटा को सिलेक्ट कर लेता है, अब जैसे मैं इसकी हाइट दे देता हूं, पहला तो जैसे हम कॉलम रो कॉलम चार कॉलम से यानी कि 43 यहां दिखा रहा है, ठीक है जी। यहां पे सेट है, मैं ऐसे चाहता हूं कि तीन कॉलम नीचे ले ले, तीन रो नीचे ले ले, तो यहां पे क्या करूंगा मैं, तीन उसको सिलेक्ट कर लिया इसने, ठीक है जी। बट आपको यहां कुछ नहीं दिखाएगा अभी, अगर मैं इसको करके तीन यहाँ पे करके F3 करके F2 करके अंदर एडिट मोड में जाके तीनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाता हूं तो वही वैल्यू मिल जाएगी आपको जो मैं सिलेक्शन में आपको बता रहा हूं। बट ये एरे का कॉन्सेप्ट है, थोड़ी इसको एरे में समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। फिलहाल इतना जान लीजिए कि इसका उतना रेफरेंस ले लेता है, उसके लिए रेफरेंस देखने के लिए अगर मैं आपको सम का फंक्शन लगा देता हूँ यहाँ पे तो उन्हीं तीनों का सम दिखा रहा है, जैसे यहां सिलेक्ट किया था मैंने इन तीनों को, तो यहाँ 154 सम दिखा रहा है ना, तो ये सम दिखा रहा है, किसी फॉर्मूले के अंदर ये किसी रेंज का काम करेगा, ठीक है जी। ऑफसेट का फॉर्मूला हम और भी देखेंगे डायनेमिक चार्ट्स में। अब सेल्स वन डाल देता हूं यहाँ, सेल्स टू कर देता हूं,
क्या रहता है सर, ये ले लेता हूँ। तो इसमें एक और चीज है, जैसे कि मैंने आपको अभी रो दिखाया कि ये हाइट जो थी इसने तीन मतलब उस पॉइंट पे आया, चार चार कॉलम आगे आया और फिर वहां से तीन इसने सिलेक्ट कर लिया। इसके साथ में विड्थ भी दे सकता हूँ इसके, जैसे तीन लिखने पे तीन तीन इसने रो के पार्ट सिलेक्ट किए थे, इसी तरह कॉलम भी दे सकते हैं। मैं यहाँ दो लिख देता हूँ, तो यानी कि जिस ये 43 पॉइंट पे आया था तो यहाँ से तीन इसने ऐसे सिलेक्ट कर लिया और दो कॉलम ऐसे सिलेक्ट कर। तो इस तरह का सिलेक्शन इसने बनाया जिसका टोटल देख रहे 279 है, तो सेम आपको सबके अंदर उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है जी, तो ऑफसेट कुछ इस तरह से काम करता है। कैसे करता है, जैसे रेफरेंस पहले आपने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया और फिर यहाँ हमने चार चार दिया था, एक एक माइनस यानी तीन, और होता है शुरू जीरो से। तो जो रो थी मेरी थ्री थी, तो जीरो पहला ईआईडी वाला जो हो गया वो जीरो हो गया, वन टू थ्री यहां चला गया। फिर उसके बाद कॉलम जो है जीरो यही है, रो जो है फिर वन टू थ्री इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है जी, अब यहां से इसने हाइट ली तीन और विड्थ ली दो, ये मेथड है इसका सारा। ठीक है जी, इंडेक्स को भी लगा सकते हैं आप उसी जगह, ऑफसेट को भी लगा सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक माइनस करना है यहां से, तब इंडेक्स की तरह काम करेगा। ठीक है जी, तो रो मैंने आपको दो फंक्शन बताए, इंडेक्स के, इंडेक्स का और ऑफसेट का। आगे देखते हैं, हालांकि इन फॉर्मूला में इतने ही फंक्शंस होते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखते हैं और थोड़ा सा इसको एडवांस बनाते हैं। इसको और थोड़ा सा घुमा के देखते हैं। चलिए ये फंक्शन को तो छोड़िए। अब मान लीजिए आपके पास दिन का मल्टीपल पता ना, अगर आपने वो 26 एग्जांपल वाली मैंने वीडियो देखी है तो उसमें ये मेथड भी है, पर मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ ये वाला, क्योंकि जनरल मेथड है। दो मेथड आपको बताता हूँ इसको। मान लीजिए ये आपके पास डाटा है कुछ, ठीक है जी, इसको मैं 2, 3, 4 शीट पे डाल देता हूँ, इसको पार्ट पार्ट करके, मतलब एक पार्ट मेरा हो गया यहाँ तक चार तक, ठीक है जी, दूसरा पार्ट मैं इससे बना दे रहा हूँ, इसको यहाँ पे भी कॉपी कर दूं बाकी शीटों में। बाकी शीट पे भी मैं कॉपी कर देता हूँ मल्टी सिलेक्शन में, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट मल्टीपल सिलेक्शन का, हाँ यहाँ से कॉपी किया मैंने और टू यहाँ पे डाल देता हूँ, फोर पे डाल देता हूँ, तो जो मेरा डेटा है वो यहाँ पे आ गया। अलग अलग शीट का इनका दे दिया। अब इसमें क्या करूंगा, यहाँ से मुझे पांच तक का डेटा इधर रखना, ठीक है, अगली शीट में ईआईडी मुझे क्या करना है 6 से 10 रखना है, 6 से 10 रखना, उसकी अगली वाली शीट में 11 से 15 रखना। ठीक है, खाली इतना ही नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब डेटा सेम है पर आपकी अलग अलग शीट है। ठीक है, अलग अलग डेटा अलग अलग शीट पे पर फॉर्मेट एक ही है। अब मैं पांचवी शीट पे क्या चाहता हूँ कि कुछ आईडी डालू और वी लुकअप से उनका रिजल्ट यहाँ करवाना है। ठीक है जी, मल्टी शीट वी लुकअप, तो कुछ आईडीज कॉपी कर लेता हूँ,
अब क्या आपके पास पहले से ये मेथड है कि डेटा जब इन तीन शीट में हो तो कैसे आप VLOOKUP के जरिए लाइन लगा सकते हैं, ऐसा किसी को किया कभी आपने? और फॉर्मूला एक ही होना चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे मल्टी शीट VLOOKUP कैसे लगाएंगे। पहला आपका VLOOKUP का वही सिंपल फॉर्मूला, लुकअप वैल्यू, यहां से हमने टेबल एरे ले लिया, देन कॉलम इंडेक्स दूसरे में था, ठीक है, ये फॉर्मूला डाल दिया मैंने। आसान करने के लिए क्या कर लेता हूं मैं, इसमें से जो हेडिंग है उसको मैच फंक्शन से ले आता हूं, ठीक है, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि मेरा फॉर्मूला एक ही रहे। मैच में क्या करूंगा, लुकअप वैल्यू ऊपर की डाल दूंगा और उसमें क्या लॉक कर दूंगा, मैं रो लॉक कर दूंगा उसकी, और बेस किसी को भी ले लूंगा, इनमें से कोई भी बेस ले लूंगा, ठीक है। फिर करूंगा कॉमा जीरो, ठीक है, तो मैच के फंक्शन के साथ मैंने लगा दिया है फॉर्मूला। और क्या करता हूँ, ए टू के इस डॉलर को भी फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा डाटा ऑलमोस्ट आ रहा है, जो मैं ड्रैग कर रहा हूँ, आप जानते हैं कि हर एक पेज में तो वो डाटा है ही, 6 से 10 का कर दूसरे में है, तो अब इनके लिए क्या करना है, इनको कैसे ऑटोमेट करना है। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, इफ एरर का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। अगर मैं क्या करूं कि यहां पे एक इफ एरर का फॉर्मूला दे दूं और उसके एरर वाले पार्ट में मैं दूसरा भी लुकअप लगा दूं तो चलेगा, ठीक है जी। कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें हमें खाली डेटा ही तो चेंज करना है, तो VLOOKUP को यहां से कॉपी कर लेते हैं इक्वल टू से पहले, ताकि बार बार उसको हमें करना ना पड़े, ठीक है जी। तो पहले वाले फॉर्मूला को मैं इफ एरर में डाल दूंगा, ठीक है जी। वैल्यू हमारी ये आ गई, अगर इसमें कोई एरर आता है तो एक और VLOOKUP का फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने बस डेटा चेंज करना है, इसका टेबल एरे जो है, टेबल एरे मैं क्या करूंगा, जाके उस दूसरी शीट से सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, इसको भी डेटा लॉक कर दूंगा। टेबल एरे मैंने फॉर्मूला कर लिया, ये फॉर्मूले को ड्रैग कर दे रहा हूं, तो मेरा जो दूसरे शीट का डेटा था वो भी आ गया। पर अब प्रॉब्लम क्या है, तीसरी शीट में भी कुछ डेटा है, 9, 14 ये सब तीसरी शीट में, अच्छा 9 नहीं है, पर 9 क्यों नहीं आ रहा है, 9 उसमें नहीं है, तो 9 क्यों नहीं आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है उस डेटा में, तो इसके आगे मैं क्या करूंगा, एक बार इफ एरर लगा दूंगा, ठीक है जी। अब यहां पे भी अगर कोई एरर आती है मेरी T6 में, देखें हरीश ही है, विजय कुछ गड़बड़ तो डेफिनेटली हो रही है, नहीं तो ये इसका रिजल्ट सही आना चाहिए, जहां तक यहाँ नाम गलत पता है, यहाँ सही चल रहा है, वहाँ इतना होना तो नहीं चाहिए, कहाँ गलत होना चाहिए। क्या चीज, सेकंड लुकअप में A4 लिखा हुआ है, A3 की जगह आपको A3 होना चाहिए शायद। A4 लिखा हुआ है मतलब, नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से तो मैं खाली ऊपर का कॉलम लुकअप करा रहा हूँ ना, वो तो किसी में भी लुकअप कराऊ उसका फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
यहाँ अभी देख ए लेते थ्री हैं, तो होना चाहिए ना लेकिन। अब जब हमें वो करना हो ना ट्रैक, तो यहाँ के वैल्यू में ये फार्मूला चल रहा है। ठीक है जी, लुकअप में देख लेता हूँ, पैरामीटर लुकअप टेबल आ रहे, ठीक है कॉलम इंडेक्स के लिए फार्मूला चल रहा है, रेंज रेंज लुकअप में 0 आ रहा है। ठीक है जी, इससे थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ, ये एरर का पार्ट आ गया, वैल्यू एफ एरर में ये पूरा फार्मूला आ गया। यहाँ भी लुकअप लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉलम इंडेक्स और रेंज लुकअप, ये भी सही आ रहा है, इसमें तो एरर आनी ही नहीं चाहिए। हरीश आ रहा है, यही मेरा डाउट है कि E006 तो विजय, यहाँ पे हरीश 002 है, तो मे भी ये शीट नहीं पकड़ रहा है मेरे ख्याल से, शीट ना पकड़ने का ही चक्कर है और कोई हो सकता है। अच्छा ओ ट्राई करते हैं, इसके डेटा में मैंने सी हमें यही बोल ये वाला डेटा ले लेंगे, बट ये पहले भी ऐसे ही किया था। अब इस फॉर्मूले को यहाँ ड्रैग कर दिया मैंने, अभी भी गड़बड़ आ रहा है, एक मिनट मैं भी लुकअप डायरेक्ट अलग से लगा के देखता हूँ। ये वाली वैल्यू लुकअप कर रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले में लुकअप कर रहे हैं। ठीक है जी, कॉलम इंडेक्स 2 और फॉल्स। ठीक है जी, अब आ रहा है विजय। ठीक है जी, अगर इसमें मैच का फॉर्मूला जो लगाया है, मैच के फॉर्मूले में क्या गड़बड़ कर गया हूँ, मैच का फॉर्मूला लुकअप वैल्यू ये होनी चाहिए, इसमें मुझे खाली रो लॉक करनी है, कॉलम नहीं लॉक करना, फिर इसका कहीं से भी ले सकता हूँ, डी में से ले सकता हूँ रेफरेंसेस का, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको पूरा लॉक करना है एंड देन जीरो। ठीक है जी, अभी भी ठीक है, इसके आगे डॉलर लगा देता हूँ और ये डेटा में जो है यहाँ पे भी डॉलर लगा देता हूँ, यहाँ डॉलर कहाँ पे ए के आगे और इसमें डॉलर जो है दोनों पे। ठीक है, फॉर्मूला ड्रैग कर रहा हूँ, रिजल्ट सही आ रहा है ऑलमोस्ट। क्या करता हूँ, ये फार्मूला यहाँ ड्रैग करके लाता हूँ, यहाँ वाला फार्मूला इधर से कॉपी करके इसके वैल्यू एरर वाले पार्ट में डाल देता हूँ यहाँ पे, यानी कि ठीक है वैल्यू एरर ओके, इस फार्मूला को यही बना लेते हैं, छोड़ते एरर के बाद ये गड़बड़ करता रहेगा, अगर इसको आप क्लियरली ध्यान से नहीं बनाते ना बगैर ध्यान के, तो ये गड़बड़ ही मारेगा। तो वैल्यू इफ एरर में हमें काम करना है डी लुकअप, यहाँ से ये इसमें हमें क्या लॉक करना है, कॉलम लॉक करना है, फिर डेटा जो है सी वाली टेबल से उठाना है, फुल्ली लॉक करना है, देन मैच का फंक्शन हमें चलाना है, ये नेम को, और इसमें हमें रो लॉक करनी है खाली, देन लुकअप एरे जो है इसका किसी में भी से भी ले सकता हूँ, यहाँ से ले सकता हूँ, और इसको मुझे कंप्लीट लॉक करना है और देन जीरो करना है, और इसके लिए वैल्यू इफ फॉल्स के लिए भी जीरो करना है, और इफ एरर का ब्रैकेट भी बंद करना है। आई थिंक अब सही होना चाहिए, यहाँ तक हमारा यहाँ तक डेटा क्लियर हो गया। ठीक है जी, अब 14 और ये 15 भी बचा, हम देख रहे हैं एक और इफ एरर आ रही है, एक और इफ एरर चाहिए, एरर जो नहीं आ रही है, तो एक एरर लगाया मैंने, और इसका जो वैल्यू इफ एरर का पार्ट है इसको यहां से हम ना ड्रैग भी कर सकते हैं,
जैसे ज्यादा फार्मूला बड़ा हो जाता है ना, यहाँ कॉमा लगा के एक और वी लुकअप लगा दूंगा मैं, और बस वही मेथड फॉलो करूंगा कि इसमें खाली मुझे कॉलम लॉक करना है और के से डेटा चाहिए, ये कंप्लीटली लॉक्ड होगा। देन मैच का फंक्शन, कॉलम इंडेक्स के लिए मैच में मैंने क्या करना था, और ये के वाले में फॉर्मूला शीट पे था, तो लगाते हुए ध्यान रखेंगे कि कोई भी वैल्यू वैसे गलत ना पड़ जाए, ठीक है। इसमें मुझे रो लॉक करनी है, रो कॉलम कब लॉक करना है उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। कॉलम कहीं से भी ले सकते हैं क्योंकि डेटा एक ही जैसा है, फुल्ली लॉक करना है जीरो और फिर जीरो और वैल्यू एक फायदा खत्म, ठीक है। यहाँ फार्मूला पूरा हुआ, पूरे को ट्रैक करता हूँ, सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है जी। तो इफ एरर की मदद से आप कई सारे फार्मूले, कई सारी शीटों से एक साथ लुकअप कर सकते हैं, मल्टी शीट लुकअप बोलते हैं उसको, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं जो आपके ऑटोमेशन में अच्छा खासा काम आएगा। जैसे हम फिल्टर लगाते हैं सर, ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये आईडी वाईडी नहीं है, आईडी नहीं है, मैं मतलब मैं डाल ही नहीं रहा, करना क्या चाहता हूँ अभी दिखाता हूँ। डेटा को थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, उससे पहले आपको काउंट के कुछ फंक्शन बता देता हूँ, काउंट एक वगैरह काउंट। देखिए हमारे पास एक काउंट का फंक्शन होता है जिसमें आप सिलेक्शन देंगे तो उसके अंदर की वैल्यू, अभी मैंने 14 तक दिया है, तो वैल्यूज काउंट करके बता देगा ऊपर से, बता रहा है हमें 13। काउंट का फंक्शन क्या काउंट करता है, इसकी वैल्यू तो काउंट करता है बट खाली न्यूमेरिक, मैंने क्योंकि 14 तक दिया था और इसमें 13 में न्यूमेरिक है, एक में अल्फाबेटिक वैल्यू, अल्फाबेटिकल वैल्यू को नहीं काउंट करेगा कभी काउंट का फॉर्मूला। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास कि अल्फाबेटिक भी काउंट करे, तो काउंट ए का फॉर्मूला होता है। अब यहीं से ये 14 तक खींच के ले जा रहा हूँ, तो ये आपको 14, ठीक है जी। काउंट नॉर्मल काउंट, न्यूमेरिकल काउंट होता है, और काउंट ए मतलब काउंट अल्फाबेट्स, ठीक है जी। उसी की तरह आपके पास एक काउंट ब्लैंक का फंक्शन होता है जो आपके सिलेक्टेड डेटा में से कितनी ब्लैंक वैल्यू है वो बताता है। अभी कोई भी नहीं है तो एक भी नहीं बता रहा, डिलीट कर दूंगा कहीं से तो ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो काउंट ब्लैंक आपको ब्लैंक काउंट करके बताता है, ठीक है जी। इन तीन फंक्शन के बाद हमारा मास्टर फंक्शन आता है काउंट इफ। काउंट इफ में क्या होता है कि किसी कंडीशन के बेस पे काउंट करता है, ठीक है जी। मान लीजिए मुझे पता लगाना है कि इसमें संदीप कितनी बार आया, तो मैं रेंज दे दूंगा जैसे समिट में देते हैं और क्राइटेरिया दे दूंगा, मैंने सीधे सीधे दे दिया टेक्स्ट में क्राइटेरिया, या किसी रेफरेंस में रखा है तो उससे भी दे सकता हूँ, तो 63 बार आया, ठीक है जी। ये काउंट इफ जो है अल्फाबेटिक भी काउंट करता है, ठीक है, तभी टेक्स्ट वैल्यू को काउंट कर पा रहा है, अल्फाबेटिक न्यूमेरिक किसी को भी आप करवा सकते। मल्टीपल काउंटिंग के लिए आपके पास जब मल्टीपल क्राइटेरिया हो तो आपके पास जो फंक्शन होता है वो होता है काउंट इफ्स, ठीक है। इसमें क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया वन इस तरह से देता है। तो जैसे पहला क्राइटेरिया हो गया वही नेम का, ठीक है, और इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया रेंज मैंने ले ली सेल्स वन, और मैंने ये कहा कि इसमें जो है सेल्स जिसकी ग्रेटर देन 50 हो, संदीप होना चाहिए और संदीप की सेल्स ग्रेटर देन 50
कितनों में है, तो टेक्स्ट के अंदर कंडीशन देंगे, ठीक है, ये करके बताएगा मुझे, मतलब मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो 30 वैल्यू ऐसी है जिसमें संदीप की वैल्यू, संदीप है और उसमें जो सेल्स है, सेल्स वन जो है वो 50 से ऊपर है, ठीक है जी, दो क्राइटेरिया मीट कर रहा है। और इसमें टैक्स से रिलेटेड क्या फंक्शन है, काउंट इफ के अंदर, काउंट इफ में भी चला सकते हैं, जैसे रेंज दे दिया। अब कई बार क्या होता है कि हमें पता लगाने है कि एस से शुरू होने वाले करेक्टर कितने, अब वो मुझे फॉर्मूले के थ्रू चाहिए, तो ऐसा अभी तक तो आपके पास कुछ है नहीं कि फॉर्मूले से कैसे पता लगाएं, तो इसमें हमारे पास काउंट इफ के अंदर ऑप्शन होता है। तो ये आप जहां भी टेक्स्ट में क्राइटेरिया देते हैं, मतलब इनवर्टेड कॉमास में, वहां ये ऑप्शन आपका काम करेगा। क्या करेगा, जैसे मुझे एस से शुरू होने वाले देखने हैं तो एस टाइप किया और उसके बाद का स्टार होगा, ये टेक्स्ट के अंदर देगा। स्टार का मतलब होता है कि कितनी भी डिजिट हो आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एस स्टार्टिंग में होना चाहिए, ठीक है जी। तो देखेंगे एस से स्टार्ट करने वाले 126 आइटम, बट आपको ये तो हो गया बिगिंस विद एस। अब इसी की तरह आपको चाहिए कि एंड विद एच, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कितने कैरेक्टर ऐसे हैं जो एच से एंड हो रहे हैं। अब इसके लिए भी वही हमारा स्टार का कीवर्ड लगता है, बस एच से पहले लगा देंगे, आगे कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, एंड में एच होना चाहिए। 126 कैरेक्टर है ये भी। इसी के साथ ही आप कहेंगे कंटेंस, कंटेंस मतलब बीच में कहीं भी कुछ भी हो या स्टार्टिंग में हो एंड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो होना जरूर चाहिए। तो रेंज मैंने सिलेक्ट की और क्राइटेरिया में मैंने दे दिया कि स्टार डबल ई स्टार, मतलब आगे कुछ हो पीछे कुछ हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल वैल्यूज कितनी, बिगिन में डबल ई आया 126, ठीक है जी। इसके बाद आपको किसी के नाम में कंफ्यूजन है या आपको डाउट है कि उसका नाम भी गलत लिखा जा सकता, तो कैसे करेंगे, रेंज सिलेक्ट किया, जैसे मेरा ही नाम है संदीप, तो कोई ए लगा देगा कोई यू लगा देगा, ऐसे कितने, तो ये संदीप जहां है और जिसमें मुझे लग रहा है कि जो डिजिट गड़बड़ हो सकती है वहां मैं क्या लगा दूंगा, क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ कोई भी डिजिट हो, ए हो, यू हो, ओ हो, आई हो, कोई भी डिजिट हो, ऐसे कितने करेक्टर, 16, ठीक है जी। तो जिस डिजिट में कंफ्यूजन हो वहां ये लगा दीजिए, तो मान लीजिए मुझे कंफ्यूजन है कि कोई आई की जगह लिख सकता है, और ऐसे तो कोई डिजिट नहीं, सिंगल डिजिट का था ना, ये डबल डिजिट अननोन कर देता हूँ, 63 आ गया, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे डिजिट नहीं पता, क्योंकि आई भी लगा सकता है, ई भी लगा सकता है, चाहे किसी ने आई के साथ किया हो तो कैसे पता पड़ेगा, वो तो उससे ज्यादा डिजिट पे लेगा नहीं, तो यहाँ आपका स्टार लगेगा कि मतलब बीच में कितनी भी डिजिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, 60। तो ये स्टार के कॉन्सेप्ट से आप काफी अपनी सर्चिंग कर सकते हैं, अपने डेटा को ऑटोमेट कर सकते हैं काफी हद। अब देखिए इसी की तरह से फिल्टर इफेक्ट क्रिएट करना है मैंने, और मेरे को पता लगाना है कि मैं यहाँ पे संदीप डालूं और जैसे फिल्टर आता है ना वैसा कुछ बनाना चाह रहा हूं, तो इसमें क्या क्या हेल्प करेगा मेरी, इसको मैं कंट्रोल एक्स करके यहाँ कोने में कर देता हूँ ताकि ये मेरे को डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, इसको थोड़ा सा और पास कर लेते हैं, यहाँ देखते हैं, ठीक है जी। तो मुझे पहला चाहिए कि इसमें जितना डेटा है वो एक लिस्ट में आ जाए, ठीक है जी। तो मैं एक यूनिक लिस्ट चाटूंगा, अगर यूनिक नहीं करनी आती आपको तो कंट्रोल सी करके फोल्ड डाटा एक जगह पेस्ट कर दीजिए, ठीक है जी। फिर जाके डेटा डेटा टैब में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स का एक ऑप्शन होता है जिसमें सेलेक्ट करेंगे और माई डेटा एज हेडर्स को ना भूलें कि आपके पास हेडर भी, ओके करेंगे तो ये आपकी वैल्यूज को यूनिक करके दे देगा, ठीक है जी, यूनिक करके दे दिया। आप मुझे इनको एक लिस्ट में डाल रहे हैं, तो लिस्ट में डालने के लिए क्या है, डेटा वैलिडेशन का लिस्ट फंक्शन है और इसमें यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इधर वैल्यू चूज कर लेंगे, ये वाली वैल्यूज मुझे लिस्ट में चाहिए, ओके।
तो यहाँ वैल्यू आने लगी मेरे लिस्ट में। अब मुझे इनका डेटा देखना है। ये भी VLOOKUP का ही एक एग्जांपल है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ कि इसमें मुझे रिकॉर्ड पता लग जाए कि कितने हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड पता लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, काउंट टेप का फंक्शन लगा। काउंट टेप का फंक्शन दिया, रेंज सिलेक्ट की और क्राइटेरिया जो मेरा आगे था वो सिलेक्ट कर दिया। तो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि टोटल इतने रिकॉर्ड है, ठीक है, इतने रिकॉर्ड है। इसको थोड़ा और साइड कर लेते, ठीक है, यहाँ पे कर दूंगा रिकॉर्ड। यहाँ इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। तो यहाँ जितने मैं बदलूंगा तो ऑलमोस्ट सबके 63 ही रिकॉर्ड है। या किसी का डिलीट कर देता हूँ नीचे से, या नीचे से डिलीट कर देता हूँ। किसी के 62 हो गए, किसी के कुछ हो, किसी के 63 हो गए, मैंने सबके ही हो गए। चलिए कोई बात नहीं, उसको मैं क्या करता हूँ, पहले सॉर्ट कर देता हूँ, फिर हो जाता हूँ या छोड़ दीजिए सॉर्ट कर रहे हैं, वैसे ही सैंपल देख लेते। तो रिकॉर्ड मेरे यहाँ पे आ गए, जो भी मैं सिलेक्ट करूंगा उसका रिकॉर्ड आपको बताएगा कि इतने रिकॉर्ड है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इनका नीचे जो है बाकी का डेटा आ जाए, ये वाला। जब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो उसका फिल्टर्ड डेटा यहाँ पे आ जाना चाहिए ऑटोमेटिक, जैसे ही यहाँ से सिलेक्ट। तो आपको पता है कि VLOOKUP में अगर यूनिक क्यों लेते हैं, यूनिक वैल्यू को इसलिए लेते हैं, जैसे मैंने EID ली थी, ताकि हाँ उस ID की ही वैल्यू आए। अब इसमें क्या है कि डुप्लीकेट से वैल्यू, तो डुप्लीकेट के केस में क्या करता है VLOOKUP, सबसे पहली वाली वैल्यू उठा के दे देता है। तो इसको यूनिक करना पड़ेगा किसी तरीके से, ठीक है जी। और मुझे ये पता करना पड़ेगा कि वही वैल्यू यूनिक हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ एक फॉर्मूला लगाऊंगा और इस कॉलम का नाम दे देता हूँ हेल्पर कॉलम, अपना काउंट टेप का डुप्लीकेसी चेक करने का है बेसिकली, और सीरियलाइज भी करता जाएगा। काउंट टेप कर दूंगा, रेंज में क्या ले लूंगा, मैं सिर्फ B2 की रेंज लूंगा और क्राइटेरिया B2 कर दूंगा। बट ट्रिक क्या है कि इसमें जो पहला वाला जो है ना इसको फिक्स कर दो, ठीक है जी। पहले वाले को फिक्स कर दिया रेंज में, मैंने पहले वाली जो एड्रेस था उसको फिक्स कर दिया। तो जब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये B2 ने ढूंढा कि इस रेंज में B2 कितनी बार आया, उसने बताया एक बार आया, नीचे आया। B7 ने ढूंढा कि B2 से B7 में B7 कितनी बार आया, ठीक है जी, एक बार आया। इनके केस में देखते हैं जहां दो बार आया तो B10 दो बार रिपीट हुआ है, हरीश जो है नीचे से ऊपर तक में दो बार। बेसिकली क्या है, जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते जा रहे हैं रेंज भी बढ़ती जा रही है। तो जैसे डुप्लीकेट इसको फाउंड होता है, शुरुआत में तो ये छोटी सी रेंज को लेके चला था खाली B2, यहां से सिर्फ इतने में ऊपर नीचे से ऊपर चेक करना है। तो जितनी बार उसे मिल जाता है वो उतनी बार लिख देता है, यानी संदीप एक बार यहाँ आया, दूसरी बार आया तो 2 हो गया, तीसरी बार आएगा तो 3 हो जाएगा। इसी तरह हर वैल्यू के साथ हो, हर एक को अपना यूनिक सीरियल नंबर मिल चुका है इस फॉर्मूले से, ठीक है जी। अब VLOOKUP के लिए तो आपको यूनिक ही वैल्यू चाहिए, पर यह एक भी दो बार आ रहा है, एक भी मतलब कई बार रिपीट हो रहा है तो यूनिकनेस तो हुई। मैं क्या एक और चीज करता हूँ, इसको कैटिनेट कर देता हूँ इसके बगल वाली वैल्यू से B2 और डाल, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, अब ये वैल्यू यूनिक हो गई, या एक संदीप आ रहा है या दो संदीप आ रहा है, ठीक है जी। मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में तो यूनिक हो गई है, तो हरीश आ रहा है, ठीक है। बस इसी से हमें सारा खेल कर, हम आईडी इसी हेल्पर कॉलम को मान लेंगे, ठीक है, और इस पर ही सारा काम करवाना है। यानी कि
यहाँ पे जो अगर मैं एक दो तीन चार कर दूं यहाँ, और यहाँ नाम जो है मैं सब में इक्वल टू करके ऊपर वाले का रेफरेंस ले लूं, सिक्स करके ले लूं, ठीक है जी। तो ऊपर जैसे ही चेंज करूंगा ये नीचे चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले पे चल रहा है। और यहाँ क्या करना है मैंने, यहाँ तो ई लुकअप में कंकैटिनेट कर दो, ई लुकअप में जहाँ हम लुकअप वैल्यू देते हैं ना, वहां क्या कर देना है, इसको कंकैटिनेट कर देना है इसके साथ। तो दोनों जुड़ गए, तो इसमें से कहीं मैच हो जाएंगे, ठीक है जी। फॉर्मूला ड्रैग करने के लिए इनको डॉलर लगाना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ कॉलम ना बढ़े या रो बढ़े, तो इनके आगे कॉलम के आगे डॉलर लगा देता हूँ। अब टेबल एरे सिलेक्ट कर लेते हैं, टेबल एरे सिलेक्ट कर ली मैंने यहाँ से। ध्यान देंगे कि जो हेल्पर है वो फर्स्ट कॉलम है, नेम सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिटी चाहिए थर्ड कॉलम। थ्री कॉलम इंडेक्स जीरो, अब इस फॉर्मूला को मैं ड्रैग कर लूंगा और यहाँ से कॉलम इंडेक्स बदल दूंगा, और नहीं तो चाहे तो वो मैच वाला फंक्शन लगा सकते हैं, चार और पांच, ठीक है जी। अब इस फॉर्मूला को मैंने ड्रैग कर लिया यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ जैसे ही यहाँ से चेंज करूंगा उसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। रिजल्ट चेंज होने लगा, बट इसमें फिक्स फॉर्मेट है, मान लीजिए इसमें जो है घटते बढ़ते हैं रिकॉर्ड तो दिक्कत होगी। मान लीजिए 11 बार में ऐसा आए नहीं तो 11 तो खाली जाएगा, एरर दिखाएगा यानी, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब मैं इस फॉर्मूला को ज्यादा बार घसीटूंगा, मतलब इसको मैं ले जाता हूँ 59, 80 तक ले गया, ठीक है। और यही फार्मूला जब ड्रैग कर दूंगा क्या आएगा, बाकी में एरर दिखाने लगेगा, जहां तक मिलेगा ठीक है, जहां नहीं एरर दिखाएगा। तो देखिए दो तरीके से ट्रैप करना है इसको। पहली चीज तो मुझे सीरियल नंबर को बढ़ने से रोकना है, इसमें से मैं क्या करता हूँ, वैल्यू गायब कर देता हूँ, कोई मजा आए एक यहाँ से सूची गायब कर देता, ठीक है जी। महेश की डिफरेंट कर दी, विजय की डिफरेंट कर दी, ठीक है जी। तो महेश के अलग रिकॉर्ड हो गए, नीचे एरर आने लग रही है, बाकी का डाटा तो मैं सीरियल नंबर रेगुलराइज करना है मैंने, तो मैं क्या करूंगा फॉर्मूला लगा दूंगा, इफ अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो वन दिखाए, अदरवाइज ब्लैंक दिखाए, ठीक है। यहां काम हो गया, इसके बाद मैं करता हूं मुझे लिमिटेड करना है कि रिकॉर्ड जितनी भी वैल्यू है वो इससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ब्लैंक हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाती है, लिस्ट नहीं होती है, या लिस्ट में कोई नाम अलग सा ऐड कर देता हूँ जो कि है नहीं, तो यहाँ पे कर देता हूँ लिफ्ट में हर केस में, तो यहाँ एकदम गायब हो गया, ठीक है जी। और जीरो रिकॉर्ड में मैं ये भी नहीं चाहता कि यहाँ पे वैल्यू आए, ठीक है जी। तो एक फॉर्मूला मैं इधर भी लगा दूंगा, इफ ये इक्वल टू अगर ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज ये ऊपर वाला डेटा दिखाए,
ये मैंने लगा दिया, जहां तक खींचना है वहां तक खींचते हैं। ठीक है जी, काम हो गया। इधर दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब मैंने इसको सेट कर दिया है कि ये अगर ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक होना चाहिए। बाकी जब ये ब्लैंक होगी तो ये एरर रिटर्न करेगा। तो इनके लिए सिंपल सा फॉर्मूला आप इफ एरर का दे दीजिए और ब्लैंक कर दीजिए। इफ एरर, अगर यहाँ एरर आती है तो यहाँ ब्लैंक कर दीजिए, यहाँ पे एरर आती है तो अगला वाला ब्लैंक कर दीजिए। अगर इधर कोई एरर आती है तो अगला ब्लैंक कर देगा। ठीक है जी, अब ये फॉर्मूला ड्रैग कर दूंगा तो एक ये भी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब मुझे क्या करना है, इफ जो मेरा है ये प्लस वन, यानी ऊपर वाली वैल्यू प्लस वन अगर ग्रेटर देन है इससे, इसको फिक्स कर दूंगा, इसको डाल दूंगा ब्रैकेट में, ताकि बॉर्ड मास का जो मेथड है वो फॉलो कर सके। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा मेथड है मुझे, तो उनको ब्रैकेट में, इंडिविजुअल कैलकुलेशन को ब्रैकेट में डाल। अगर ग्रेटर हो जाता है ये तो इसको ब्लैंक कर देगा, अदरवाइज में ऊपर वाले में एक प्लस कर देगा। ठीक है, इतना सा फॉर्मूला डाल दिया मैंने और इसी फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर। ठीक है जी, यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ ब्लैंक हो गया, और ब्लैंक में प्लस वन कर देगा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा उसे, तो एक इफ एरर और डालना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि इफ एरर, अगर यहाँ कोई एरर आती है तो ब्लैंक कर दिया। अभी फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग कर दूंगा जहां तक करना हो गया। अब मेरी लिस्ट ऑटोमेट हो गई। अब इसमें से कोई भी सिलेक्ट करूं, अब यहां डेटा नहीं है नहीं दिखा रहा, पर जिसमें डेटा है उतना रिकॉर्ड दिखाएगा। 61 तक दिखा रहा है महेश का, राहुल का देखेंगे 62 रिकॉर्ड, 62 रिकॉर्ड सारे। ठीक है जी, तो इसको बेशक आप हाइड करके रख सकते हैं कॉलम। आपका ये ऑटोमेशन क्या किया है आपने किसी को नहीं पता। ठीक है जी, आपने एक वर्चुअल फिल्टर टाइप करके इसको अनहाइड कर देता हूँ और ये शीट आपको बॉक्स से शेयर कर देता। इसी तरह के बहुत सारे मेथड जो है हमारे, वो आपको जो मैंने स्पेशल लिंक भेजा है उसके अंदर मिलेगा। 26 मेथड, 26 टाइप के भी लोग हैं। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म होती है, कल कुछ नहीं, सोमवार को मिलेंगे आप। ठीक है सर, इसकी वीडियो अगर आप सुबह सेंड कर दीजिए क्योंकि मैं लेट हो गया आज क्लास।